रुक करेंगे। एक और बड़ी खबर का जो ग्वालियर से मिल रही है, ग्वालियर की दिनारपुर अनाज मंडी में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ग्रामीणों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए थे और गेहूं और सरसों की खरीदी को लेकर व्यापारियों से विवाद भी हुआ। मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, कोई भी पालन नहीं किया गया कोरोना गाइडलाइन का, और साथ ही ग्रामीण इलाकों में लगातार तेजी के साथ में संक्रमण फैल रहा है। शादियों में भीड़ जुटाने पर भी कार्रवाई हो रही है। मंडी में बड़ी संख्या में किसान भीड़ लगाकर जुट रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर की मंडी की है, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनोद जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। विनोद, तस्वीरें जो सामने आई है वाकई में चौंकाने वाली है कि ना तो लोगों ने यहाँ पर मास्क वेयर किया हुआ है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। बिल्कुल, यही कारण है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण पैर पसारता जा रहा है। ये दिनारपुर मंडी का दृश्य है, और ऐसे अमूमन अधिकतर मंडियों के ये हालात है कि जहाँ बड़ी संख्या में कृषक पहुंच रहे हैं अपनी जो फसल है उसको बेचने के लिए, और उसके बाद वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही किसी तरह से मास्क भी नहीं लगा रहे। ऐसी भी जो सामने वीडियो आए हैं जिसमें मास्क नहीं लगा रहे, एक दूसरे के पास बैठे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। तो ये आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमण फैला है वही लोग हैं जो फसल बेचने के लिए आए हैं, शहर के कुछ लोग उसमें अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं, और ऐसा ना हो कि एक और ज्यादा संक्रमण की जो लहर है वो चली आए। क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा और मास्क नहीं लगाएंगे तो एक दूसरे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, क्योंकि देखिए मंडी है, यहाँ पर कई ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, एक ही गांव के लोग नहीं आते, अलग अलग गांव के। कोई भी यहाँ पर जिम्मेदार मौजूद नहीं है जो कि ग्रामीणों को समझाइश दे सके कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर? देखिए, जिम्मेदार जो है अधिकारी वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, घरों से ही अपना काम कर रहे हैं, दिशा निर्देश जारी कर देते हैं, और जो जिम्मेदारी है वो कर्मचारियों पर लाद दी जाती है, और कर्मचारी इतने सक्षम नहीं होते हैं कि किसानों को रोक लें। क्योंकि यहाँ पर जो मंडी है वहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात होना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं, पुलिस तैनात होनी चाहिए, अधिकारियों को भी तैनात रहना चाहिए, गोले बनाए जाने चाहिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि किसान है बहुत, किसानों को कम जानकारी होती है, कई मायनों में नहीं जानते हैं वो, और वो ये मान के चलते हैं कि कोरोना जैसा कोई रोग नहीं है। क्योंकि हमने खुद गांव में जाकर जब देखा और किसानों से बातचीत की तो वो तो ये कहते हुए मिले कि ऐसा कोई रोग नहीं है, गांव में नहीं होगा, शहर का रोग है, शहर में होगा। तो इस तरह की उनकी मन में धारणा है, वैक्सीनेशन भी नहीं करा रहे हैं ग्रामीण, उनका उनको मन में धारणा है कि वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, और उनके बीच में ये भ्रम फैल गया है कि उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। तो इस तरह के जो भ्रम की स्थिति उनको गांव में पैदा कर दी गई उसको भी दूर नहीं किया जा रहा है, ना ही किसी के द्वारा उनको ये समझाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन से नुकसान नहीं बल्कि वैक्सीनेशन एक कवच है जो आने वाले समय में आपको बचाएगा। पर और विनोद, अभी भी एक साल से ज्यादा हो चुका है, हर एक माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है और जागरूक किया भी गया है, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आया, जैसे कि आपने बताया कि लोग अभी भी कोरोना को लेकर जागरूक नहीं है, वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक नहीं है, और भारत में शहरों के मुकाबले ज्यादा आबादी ग्रामीणों में निवास करती है, तो आने वाले दिनों में तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए देश की एक तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और आज जो हमारे साथ सबसे अच्छा पहलू है कि कोविड काल में भले ही सारे संस्थान, व्यापारी संस्थान सब कुछ बंद हो, लेकिन लोगों के लिए अन्न की कमी नहीं है, और ये अन्न हमारे अन्नदाता ही खेतों में पैदा करते हैं, और वहाँ किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अगर लापरवाही ज्यादा बढ़ गई और अगर ये अन्नदाताओं पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया तो दूसरी परेशानी के सामने से भी गुजरना पड़ सकता है, अन्न की कमी भी हो सकती है। वाकई में विरोध, परेशानी तो बढ़ सकती है, पर अब देखना ये काफी अहम होगा कि ये तस्वीरें सामने आने के बाद में जिम्मेदार इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाते हैं और विवाद किस हद तक सुलझता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।